डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है लता मंगेशकर जी की जयंती। आज यानी 28 सितंबर को भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती है। वह भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे बहुमुखी गायिकाओं में से एक थी। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता ने उन्हें कम उम्र में ही संगीत सिखाना शुरू कर दिया। अपने करियर में उन्होंने 1000 से अधिक हिंदी और 36 क्षेत्रीय फिल्मों में 5000 से अधिक गीतों को अपनी आवाज़ दी। उन्होंने सभी प्रकार के एल्बम आदि को रिकॉर्ड किया। 6 फरवरी 2022 को उनका निधन हो गया था। लता मंगेशकर को उनके 8 दशक के लंबे करियर के दौरान कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1974 में वह रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय बनी। उन्हें 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फ्रांस की सरकार ने 2007 में उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। 1974 में लता मंगेशकर का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे अधिक गाना गाने वाली गायिका के तौर पर दर्ज किया गया। भारत सरकार ने लता जी को सितंबर 2019 में उनके 90वें जन्मदिन के अवसर पर डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड से सम्मानित किया।